लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रामानुजन, क्या कर रहे हो? मैं बर्नौली नंबर्स पर शोध कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, क्या बात है? सर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट को हायर मैथ सॉल्व करते देख मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मैथमेटिक्स काफी नहीं होगा स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए। बाकी विषय जैसे इंग्लिश, रोमन हिस्ट्री, फिजियोलॉजी ये भी जरूरी है। एक ही हफ्ता बचा है एग्जाम के लिए, पता है ना? मैं मानता हूं कमललता जी, रामानुज के पास गणित को लेकर असाधारण कौशल है, पर मैंने उसे समझाया था कि हर सब्जेक्ट में अच्छे अंक आने चाहिए, उसने सुना ही नहीं। वो फिर से नहीं करेगा, आप उसके लिए जरा प्रिंसिपल से बात कीजिए ना। देखते हैं। इसे इस कॉलेज में एडमिशन इसलिए दिया गया क्योंकि ये अपने स्कूल में अव्वल आया था। हमें ये उम्मीद थी कि ये बोर्ड में भी काफी अच्छा करेगा और शायद एक दिन ये ICS ऑफिसर भी बन जाए, पर ये तो सिर्फ गणित के पीछे पागल है। ज्यादा अच्छा होता कि ये साधारण छात्र की तरह सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाता बजाय सिर्फ गणित में 100 में से 100 लाने के। सिर्फ गणित के अंकों के आधार पर इसे स्कॉलरशिप नहीं दे सकते। रमन जा, क्या कर रहा है यहाँ पे? तू आज कॉलेज क्यों नहीं आया भाई? तुझे पता है ना तेरी माँ ने कैसे कैसे करके तेरे कॉलेज की फीस भरी और तू यहाँ पर बैठा हुआ है? कॉलेज जाना था लेकिन रास्ते में दिमाग में एक सवाल आया जिसे मैं न जाने कितनी रातों से हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसी कोशिश में मैं हल ढूंढने के लिए मंदिर में आ गया। पता नहीं कैसे नींद लग गई। हाँ, पर मैं नींद में भी हल ही ढूंढ रहा था, फिर अचानक मेरे सपने में दैवीय रूप में एक सफेद रोशनी सामने आई और हल बताकर विलीन हो गई। वो नामगिरी थायर ही थी, और इसमें इस बात में कोई संदेह नहीं, जो हल उन्होंने मेरी जीभ पर लिखा वो मैंने इसमें लिख दिया है। देखो, अपनी आंखों से देख लो, देखो आनंदू। सर। रामानुजन, आओ खाना खाओ। मैंने खा लिया सर। क्या खाया? दही भात और अचार। जो काम तुम्हारा दिमाग करता है उसके लिए काफी नहीं। रोज सुबह 2 अंडे खाओ, सेहत हरी भरी हो जाएगी। जाओ। हाँ, हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं फिजियोलॉजी में फेल हो गया सिर्फ मेरे शाकाहारी होने की वजह से। माँ ने मुझसे कहा है कि अगर मैंने अंडे फोड़े तो भगवान मेरी आंखें फोड़ देंगे। ठीक है, अपनी दकियानूसी बातें अपने पास रखो। मैंने इसलिए बुलाया, मैथमेटिक्स जर्नल में कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कोशिश की सॉल्व करने की पर कर नहीं पाया, इसीलिए तुम्हें बुलाया। देखो तुमसे होता है क्या। तुम बैठो, मैं हाथ धो के आता हूं। सर, मैंने ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व कर लिया था कुंभकोणम में। देखिए, मैंने इधर लिखा है। रामानुजन,
तुम वाकई जीनियस हो। मुझे शक है कि तुम्हारी काबिलियत को इस देश में कोई पहचानेगा, मुझे नहीं लगता। तुम्हारा एक थ्योरम दिखाया था क्रिश्चियन कॉलेज प्रोफेसर एडवर्ड रोज को। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें पोलिश भाषा आती है क्या? जब मैंने बोला नहीं, तो उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते पोलैंड में एक मैथमेटिशियन ने इस प्रॉब्लम का हल निकाला था, ऐसा उन्होंने बताया। रामानुजन, तुम्हें कहीं और जन्म लेना था, मुझे तुम पर गर्व है। तुम क्या देख रहे हो? सर, इस तालाब में जो ये बगुले दिख रहे हैं, ये अलग अलग दूरियों पर खड़े हैं, पर जब ये आकाश में उड़ते हैं तो एक ही आकार बनाकर उड़ते हैं, एक कोण की डिग्री में। मैं कभी कभी सोचता रहता हूं कि ये ऐसे क्यों उड़ते हैं। तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये पक्षी उड़ते हैं वी के आकार में। इस तरह उड़ने से प्रधान पंछी थकने के बाद आसानी से पीछे हट सकता है, और प्रधान पंछी के पीछे हट जाने के बाद दूसरा पंछी उसकी जगह ले सकता है। रामानुजन, तुम्हारी ज्योमेट्री नॉलेज का जवाब नहीं। लक्ष्मी, खाने के पहले प्रार्थना की? थोड़ा और परोसो। कोमल, ये मद्रास गया था अपना एफए पूरा करने, बीमारी का बहाना बना के छोड़ आया है। कम से कम 3 बार फेल हो चुका है एग्जाम्स में, कब पास होगा? जरा धीरे, तुम चुप रहो, ये गणित का पागलपन इसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। काश इसे कोई डिग्री मिल जाती। इसके साथ के लोग आज देखो कितने ऊंचे पद पे जाके बैठे, इतना होने के बाद भी ये अपने गणित में ही मगन रहे। सर, आप धीरे बोलेंगे, अगर उसने सुन लिया तो आया हुआ बच्चा फिर से भाग जाएगा। आप परेशान हो ना, आपको लगता है वो जिम्मेदारी नहीं समझता। आप चिंता मत कीजिए, मैंने एक रास्ता सोचा है उसको जिम्मेदार बनाने का। जानकी, मुझे नहीं पता चल रहा है कि तुम्हें कैसे समझाऊं। मैं हमेशा समीकरण की दुनिया में रहता हूं, एफए एग्जाम्स में 3 बार फेल हो चुका हूं। मेरा भविष्य तो अंधकारमय है, और ऐसे में तुम्हारे साथ शादी हो गई। मैं तो सच में बहुत कष्ट सह रहा हूं, और अब तुम्हें भी सहना होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? माँ ने कहा है कि आपको अपने प्यार के जाल में ऐसा उलझाओ कि सौतन गणित भाग जाए। मैं उसे भगा दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। नमस्कार। नरसिम्हा जी, घर में पैसे भिजवा दिए ना? जी, सुबह ही भिजवा दिए। ये लड़का कौन है? मालिक, इसे नौकरी चाहिए। बहुत ही होशियार लड़का है, 12वीं में ये पहला नंबर आया है। मुझे लगता है कि अपने यहाँ मुनीम की नौकरी के लिए। बेटा इधर आओ।
ये क्या है? मेरे सर्टिफिकेट्स। रहने दो, कंपनी का हिसाब किताब अच्छे से करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ। मैं तुम्हें महीने के 18 रुपए दूंगा और अगर काम पसंद आ गया तो मेहनत आना बढ़ा दूंगा। आज से ही काम संभाल लो। हाँ। नरसिम्हा, इसे कंपनी का हिसाब किताब दिखाओ। ठीक है, चलो। मैनेजर सर। हाँ। उन्होंने कहा मैं हिसाब किताब बराबर से रखूं तो मेरा मेहनताना हाँ। बढ़ा देंगे। ये सब मेरा किया हुआ काम है। हाँ। मैं दिखा दूं उन्हें? जरूर दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। हाँ, धन्यवाद। जाओ। सर। हाँ? मेरे गणित के कुछ काम है। गणित के काम? जी सर। देखो जरा। ये सब क्या है? इसे देखकर मेरा तो सर ही घूम रहा है। मेरी कंपनी का हिसाब तो बहुत आसान सा है, सिर्फ अंकों का ही प्रयोग होता है और यहाँ पर तो ए बी सी डी और ना जाने कौन कौन से शब्द लिखे हुए हैं। ये मेरी समझ के बाहर है। अगर तुम्हें नौकरी पर रखूंगा तो तुम तो सब सत्यानाश कर दोगे। तुम जाओ भाई। नरसिम्हा। जी जी। मैं जो करने के लिए कहा था कर दिया ना? मैंने सब कर दिया था। तो खड़े क्यों हो, लाकर बताओ। हाँ, मैं अभी दिखाता हूँ, आप बैठिए। मैं ठीक है, जाओ लेकर आओ, बकवास मत करो। आज के बाद तू किसी के लिए भी काम नहीं करेगा, वो तेरे काम का महत्व नहीं जानते। तो अब मैं क्या करूं, अपने परिवार को कैसे संभालूं? तुम्हें लगता है ये लोग तुम्हारी मदद करेंगे? ये तो तुम्हें समझ भी नहीं पाते। रामानुज, अब समय मत गंवाओ। हम जैसे कुछ गणितज्ञों ने मिलकर के मद्रास में एक सोसाइटी बनाई है। कुछ बहुत ही खास लोग हमारी इस सोसाइटी के सदस्य हैं। मैं तुम्हें सबके नाम पर सिफारिश पत्र दूंगा, जाकर उनसे मिल लेना। हमारा काम है कोशिश करना, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। साहब, ये श्रीनिवासन रामानुजन है। सर, मैंने काफी रिसर्च किया है कंटिन्यूड फ्रैक्शंस पे, किसी भी नंबर को लिखा जा सकता है इन्फिनिट सीरीज में। ये देखिए, मैंने और भी रिसर्च किया है पार्टीशन नंबर्स पे, उदाहरण के लिए ये। मैं अभी बिजी हूं, बाद में देखता हूं, अभी जाओ तुम। जरा भी अकल है तुम्हें? ऐसे किसी को भी सड़क से उठाकर ले आओगे मेरे पास? भिखारी लगता है पूरा। मैंने सिर्फ इसलिए हां बोला क्योंकि तुमने बोला था जीनियस है वो। ये तो दिखने में ही फ्रॉड लगता है। सुनो, मेरे पास और भी कई काम है सिवाय इस नॉनसेंस के। नहीं सर, प्रख्यात लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है, यहां तक कि सेशु अयर ने भी इसकी सिफारिश की है। भले आप समय लीजिए, लेकिन एक बार इसके नोट्स जरूर पढ़िए। हम नेल्लोर में ही रुके हुए हैं, आपके फोन की प्रतीक्षा करेंगे। कोई जरूरत नहीं, मेरा कोई कॉल नहीं आएगा, जा सकते हो तुम। नेक्स्ट। Equal to minus 1 by 12.
धोखे से। कुछ तो खराब है उसका। मैंने कल रात में तुम्हारे ये नोट्स पढ़े। रात भर जागकर तुम्हारे थ्योरम समझने की कोशिश की। मुझे लगता है कि मैं नहीं समझ पाया हूं। शायद यकीनन मैं नहीं समझा हूं। तुम्हारा काम अविश्वसनीय है। जितना भी मैं देख पाया हूं, तुम एक वाकई गणित के सम्राट हो। और अब कल के लिए मुझे माफ कर देना। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मुक्ति चाहिए सर, रोज रोज के झंझटों से, काम की तलाश से। मुझे मुक्ति चाहिए खाने की तलाश से। अगर मुझे ये मिल जाए तो अपना पूरा ध्यान रिसर्च में लगा दूंगा और फिर शांति से अपने अंकों की दुनिया में खोया रहूंगा। सबसे पहले तुम्हारी पैसों की दिक्कत खत्म करने के लिए मैं तुम्हें 25 रुपए हर महीने भेजा करूंगा और एक अच्छी से अच्छी नौकरी लगवा दूंगा मद्रास में ही। पर तुम कभी सपने देखना बंद नहीं करना और साथ में तुम्हारा रिसर्च भी।